So firstly, I think Vikas ne a great initiative liya hai. I think it's great to acknowledge, you know, the comedy genre also. To come up with something so special for, जैसे मैंने हमेशा उन्हें भी कहा है कि रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है. तो उसी fact को acknowledge करते हुए जो उन्होंने किया है, I think it's commendable. And all the best to him and you know, so happy and excited to be here, and he's always come up with great shows. So I think ये भी एक super hit ही होगा. So yeah, looking forward. बिल्कुल, बहुत मुश्किल है क्योंकि कुछ चीज़ जो मुझे हंसाए शायद आपको ना हंसाए, and that's it's very subjective. So I feel timing सही होना और you know, it's an irony, but dumb play करना सबसे मुश्किल काम है. सो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट टू प्ले डम. सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट. सो या आई थिंक आई एम हैप्पी दैट यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एंड या लाइक आई सेड लुकिंग फॉरवर्ड टू. थैंक यू. सो जस्ट थॉट कि यू नो नॉर्मली नाउ दिस इज बहुत एक लंबा सा ट्रेल है, लाइक अ वेरी सिंड्रेला फील, बट या आई लव द कलर. और ऑनेस्टली ज़्यादा वक्त नहीं मिला सोचने के लिए कि क्या पहनना है, बट या आई थिंक दिस इज़ मी मोर माई स्टाइल, सिंपल एंड एलिगेंट. जी अंजलि जी की तरफ से पता नहीं, सुनैना को बहुत मज़ा आता है क्रिसमस में, और मैं कोशिश करती हूँ हर साल चर्च जाऊँ 24th रात को. और लास्ट ईयर से ये शुरू किया है कि हमेशा हम सांता ढूंढते हैं, लेकिन मैं किसी की सांता बनने की कोशिश करती हूँ. तो छोटे छोटे गिफ्ट्स गाड़ी में रखती हूँ जो मैं ऑन द वे लोगों को देती हूँ, द लेस फॉर्चुनेट. सो आई थिंक सांता को ढूंढिए मत, खुद सांता बनिए किसी के लिए, उससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता. सो थैंक यू. दे आर कॉलिंग मी.